हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टुडे मार्केट के ऊपर, प्लस आप लोग को यहाँ पे बताने वाला है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या कुछ यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। एंड अभी के टाइम पे 22,912 डॉलर जो है अभी के टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रहा है। एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्वेरी भी था कि मैटिक के ऊपर जो है डंप हुआ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मैटिक के अंदर एंट्री लिए थे। लगभग आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमने लगभग 1 वीक से पहले आप लोग को एंट्री दिया था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जोन जो है आप लोग को मिला था। तो मार्केट के अंदर अभी क्या कुछ न्यूज चल रहा है जिसके पर बात करेंगे, और अभी टाइम पे प्राइस की मूवमेंट अभी क्या कुछ हो सकता है जिसके ऊपर बात करेंगे। तो मैटिक को अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 0.95 सेंट तक यहाँ पे टच हुआ था। एंड ऑल्ट कॉइन की मार्केट के अंदर अभी भी अगर आप लोग देखेंगे तो बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। तो क्या कुछ है मार्केट के अंदर सीनेरियो, न्यूज क्या है जिसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो जो है आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड हम लोगों ने जो है कल की इस वीडियो में आप लोग को बताया था कि मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है जिसके ऊपर हमको अंदाजा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लो की डाटा जो है थोड़ा सा कम हम लोग को देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमने ये जो वीडियो है बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने क्या स्ट्रेटेजी आपका रहना चाहिए, अगर आप लोग इस मार्केट के अंदर अभी की मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है आप लोग क्या रख सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ा न्यूज जो है जिसकी वजह से अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर फट चल रहा है वो है टेस्ला। टेस्ला जो है लगभग 936 मिलियन जो है वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है यहाँ पे सेल अप किया है, क्योंकि देखिए इनके स्टाफ की मैनेजमेंट के लिए या तो इनकी कंपनी को चलाने के लिए। एंड ये लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब ये कैश जो है इनके हाथ में होल्ड रखना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने सेल अप किया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये जो सेलिंग इन्होंने किया है ये Q2 के अंदर किया है। लगभग 75% जो है इनकी होल्डिंग था जिसको इन्होंने यहाँ पे सेल अप किया है। एंड ये लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये भी बिटकॉइन को होल्डिंग इन द फ्यूचर ये लोग करने वाले हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जो फंड मार्केट के अंदर आ चुका है वो आ चुका है 936 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है टेस्ला ने यहाँ पे सेल किया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं ये Q2 के अंदर इनकी सेलिंग हुआ है, तो अभी जो चल रहा है Q3 चल रहा है। फिर उसके बाद में एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने कल की इस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। देखिए बिटकॉइन हो या क्रिप्टो हो या तो शेयर हो, ये जो बड़े बड़े बेल्स होते हैं जैसे इलन मस्क हो गए या एंड माइकल सेलर हो गए, ये लोग बाय कर रहे हैं तो कोई आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट देने के लिए नहीं, इनके खुद के प्रॉफिट के लिए बाय कर रहे हैं। एंड ये जब भी आप लोग को सेलिंग करता हुआ दिखेगा तो ये पहले नहीं बोलते, ये जब भी यहाँ पे मार्केट डंप हो जाता है तब भी यहाँ पे न्यूज निकल के आता है। तो आप लोग को यहाँ पे बेल्स बनना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे रह जाएंगे एंड ये लोग आपके ऊपर डंप कर लेंगे तो आप लोग प्रॉफिट कहाँ पे निकाल पाएंगे, जिसके ऊपर हमने कल की इस वीडियो में बताया था कि स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए। एंड इलन मस्क के बारे में भी इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था। तो चलिए एनीवे आप लोग जितना भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को नॉलेज मिलेगा, अगर आप लोग नहीं देखते तो हम लोग क्या कर ही सकते हैं। तो चलिए अभी की मार्केट के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फियर एंड ग्रीड की इंडेक्स अभी के टाइम पे 34 जो है यहाँ पे पहुंच चुका है 31 से। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो बिटकॉइन अभी भी बाय यहाँ पे हो रहा है। बिटकॉइन 3.96% जो है यहाँ पे डाउन है, इथेरियम भी 5.94% डाउन है। एंड इथेरियम जो है इतना थोड़ा डाउन होने की वजह से ऑल्ट कॉइन के अंदर डंप आया है। एंड अभी अगर इन्फ्लो की डाटा देखें तो कल की वीडियो में भी हमने बात किया था, इन्फ्लो डाटा अभी भी यहाँ पे 3,955 है, मतलब कल की डेट से आज भी यहाँ पे इन्फ्लो डाटा कम आ रहा है। तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत और भी यहाँ पे डंप हम लोग को शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा रैली हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ से तो क्या पूरा तो ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा डंप होगा फिर से पंप होगा। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन की चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद में स्ट्रेटेजी आप लोग क्या रखना चाहिए अभी की मार्केट के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे, प्लस आप लोग को मैटिक की भी अपडेट यहाँ पे देने वाले। तो अभी देखिए 24,300 तक यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे लगभग चला गया। एंड कल भी हमने एक ट्वीट भी आप लोग को किया था एंड हमारा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आप लोग को दिया था, लगभग 3 मिलियन से अबव जो है यहाँ पे सोल्ड जो है बिटकॉइन यहाँ पे हुआ था, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आप लोग के साथ में भी शेयर किया था। तो देखिए ये जो न्यूज था प्लस यहाँ पे इन्फ्लो डाटा भी कम था जिसकी वजह से यहाँ पे डंप आना था। तो टेस्ला की न्यूज तो वो आज आया है, मतलब कल रात को आया है, लेकिन यहाँ पे पहले यहाँ पे डाटा ने आप लोग को बता दिया था कि मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो
अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, देखिए अभी बिटकॉइन की चार्ट के ऊपर हमने जैसे देखा कि यहाँ से एक अच्छा खासा पंप यहाँ पे लिया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा डंप आया एंड ये पॉजिटिव मोमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डंप आया क्योंकि यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा रिएक्ट किया एंड वो कहाँ पे किया, तो देखिए यहाँ पे एक जो है ये देख सकते हैं ये जो जोन है बिटकॉइन की एंड ये जो जोन है लगभग 23,000 से लेके 22,700, तो ये जो एक जोन है यहाँ पे बिटकॉइन ने जो है एक सपोर्ट लिया था जब भी यहाँ पे पंप हुआ था एंड इसी जोन के अंदर जो है यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन अभी जो है रेजिस्टेंस जोन फेस करेगा एंड यहाँ पे फेस किया तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए अभी ये मार्केट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से पूरा डायरेक्ट ऊपर ही जाता रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है जिसको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्ट करना होता है एंड यहाँ पे जैसे रिएक्ट किया यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे थोड़ा रुका एंड यहाँ से थोड़ा सा डंप लिया तो मार्केट फिर से डंप लिया तो यहाँ से पंप लेगा, लेकिन यहाँ पे मेन जो रेजिस्टेंस जोन है अभी के टाइम पे 28,000 to 30,000, तो ये तो पहले से बना हुआ है एंड ये जो है 50 EMA है एंड 50 EMA अभी के टाइम पे अगर वन डे की चार्ट में हम लोग देखते तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो अभी अगर ये 50 EMA को यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है एंड यहाँ से भी डंप चला जाता है तो 21 EMA जो है ये यहाँ पे भी सपोर्ट है लगभग 21,300, तो ये अभी ऊपर जाएगा जैसे यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो 21 भी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा एंड मैं यहाँ पे जो है देख रहा हूँ कि अगर आप लोग भी इसको मार्क करना ये जो प्राइस है 22,200 लगभग 22,000 से एबव मतलब 22,400 से एबव जो है मार्केट यहाँ पर रहना चाहिए अगर यहाँ से बुलिश ट्रेंड पकड़ना है, नहीं तो यहाँ से अगर डंप हो जाता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात यहाँ पे हो सकता है, तो मार्केट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है हमने बहुत बार देखा है, तो यहाँ से हो भी सकता है ये कि ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग यहाँ पे 20,000 तक यहाँ पे हिट हो जाए फिर यहाँ से जो है एक पंप यहाँ से ले जाए, लेकिन अपना प्रिपरेशन जो है आप लोग को करके रखना चाहिए, तो जिसकी वजह से हमने कल की वीडियो दिया था कि भाई ऑल्ट कॉइन के अंदर जिसमें भी जो भी प्रॉफिट हो रहा है भाई स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो, हमने उस वीडियो के अंदर यहाँ पे बात कर लिया था। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करें मैटिक एंड जो है UFO ADA एंड इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोग को दिया था, उसमें डिटेल्स में बताया था कि मैटिक के ऊपर क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बिटकॉइन की जो है अभी के टाइम पे ये जो जोन है इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ये जो जोन है लगभग यहाँ पे 22,700 से लेके 22,000, ठीक है। तो ये जो जोन को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो क्या कुछ सीनेरियो बनता है उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो भी डंप हुआ है इसकी एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे हो सकता है एंड ये हुआ भी एक अच्छा बात है एंड यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेगा बिटकॉइन एंड यहाँ से एक फॉर्म भी ले सकता है। एंड अभी बात करते हैं मार्केट के अंदर जो भी मनी है अभी के टाइम पे क्या मूव हो गया, लेकिन ऐसा जो है हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ये एक जो है पॉजिटिवनेस है मार्केट के अंदर अभी के टाइम पे, जो लोग यहाँ पे पैसा डाले थे उन्होंने जो है पूरा कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ता हुआ हम लोग को दिख रहा है एंड अभी अगर आप लोग ऑल्ट कॉइन की मार्केट की आपको देखेंगे तो ये थोड़ा सा डंप होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो मनी था ये थोड़ा बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे मूव हुआ प्लस यहाँ पे जो है ऑल्ट कॉइन के अंदर जो प्रॉफिट हुआ था लोगों ने यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के अंदर प्रॉफिट बुक करके फिर से जो है बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा एंट्री लेने के लिए सोचा है, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन के अंदर जो अभी जो गिरावट आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ा जो है स्टैंड बाय गिरावट यहाँ पे आप लोग इसको मान सकते हैं। अभी चलते हैं मैटिक के ऊपर, मैटिक के ऊपर हमने वीडियो जो है अपडेट भी आप लोग को जब दिया था तो हमने बताया था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है मैटिक को जो है थोड़ा सा यहाँ पे पुशअप नहीं करने देगा एंड ये वही जो है यहाँ पे होता हुआ हम लोग को दिखा एंड हमने बताया था कि आप लोग जो है स्टॉप लॉस एक प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है 0.93 सेंट पे या तो 9.90 सेंट पे आप लोग एक स्टॉप लॉस यूज कर लीजिए जिसके ऊपर हमने जो है ऑलरेडी आप लोग को वीडियो दिया था। तो देखिए अभी की मोमेंट में आप लोग को क्या लग रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया तो जिसकी वजह से मैटिक के अंदर थोड़ा सा डंप हम लोग को देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है एंड अभी के टाइम पे जो मेन सपोर्ट जोन है जिसको मैं अभी देख रहा हूँ 0.76 सेंट एंड यहाँ से अगर मैटिक यहाँ पे डंप लेता है तो आप लोग को जो नेक्स्ट लेवल है आप लोग ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.57 सेंट तक, ठीक है। तो अभी के टाइम पे अगर आप लोग प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस आप लोग जरूर यहाँ पे यूज कर लीजिए लगभग यहाँ पे 0.73 सेंट पे अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप लोग थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, वरना आप लोग को अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो उसकी हमने पहले से अपडेट दिया था जहां पे आप लोग का अभी के टाइम पे ऑलरेडी जो है सेल अप हो गया होगा। तो मेन जो है सपोर्ट जोन यहाँ पे मैटिक के लिए यहाँ पे है
प्लस यहाँ पे $1 भी एक जो है मेन रेजिस्टेंस जोन इसके लिए है, जिसको आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग $1 पे। ठीक है, दो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, तो जिसकी वजह से मैटिक को थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है। एंड अभी जो है इनका कुछ न्यूज भी आने वाला था, लेकिन यहाँ पे लगता है वो न्यूज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे वार्क करता हुआ हम लोग को ना दिखे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आप लोग को ये जो जोन है इसको आप लोग को देखना है एंड अपना जो है प्रॉफिट जरूर यहाँ पे बुक कर लेना है। नेक्स्ट जोन हम लोग एक दो दिन में हम लोग को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है एंड इनका जो न्यूज ये लोग देने वाले थे ये क्या न्यूज है वो आज की डेट में ये लोग देने वाले है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है जिसके ऊपर हम लोग अपडेट लेके आएंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आप लोग को पहले मिलता है एंड यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग को कैसे यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो, ना कि हम लोग मार्केट के ऊपर रिएक्ट करके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाए, तो जिसके ऊपर हम लोग बार बार बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एनीवे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को सही लग रहा है तो जरूर आप लोग शेयर थोड़ा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू कॉइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।